Today we have the privilege of meeting an extraordinary talent in the world of music. The Chakraborty is a celebrated vocalist whose journey in Indian classical music began at just 5 years old, nurtured by her musically gifted family. She has dedicated 17 years to mastering her music, with top honors from the prestigious Dover Lane Music Competition and performances that span from India to the UK. Vita's artistry and dedication shine brightly in every note she sings. Welcome to ITV Gold, Vita. Thank you. Thank you so much. So, what brings you to New Jersey? Yeah, so it uh, brings me off obviously my music and my ghazal music, and Mr. Shatish Malikji invites me to perform here. So that's why I come here. Wonderful. Could you share about your early experiences with Indian classical music and how your family's musical background influenced you? Yeah, sure. So I hail from a musical family. And I first I just learned from I learned music at the age of five and from my uncle, Mr. Tridip Shanyal. And after that at the age of 10, I started learning from Chandana Chakraborty and Pandit Ajay Chakraborty. इन कोलकाता तो सो आई आई वॉज हेयर फॉर अबाउट सेवेंटीन ईयर्स आई लर्न फ्रॉम देम सो आफ्टर दैट इट्स गोइंग ऑन एंड ऑन हाउ इज़ द एटमोसफियर एट होम घर का माहौल कैसा था जब आप गाना गाती थी या आपके पेरेंट्स आपको इनक्रेज करते थे जी बिल्कुल घर का माहौल तो बहुत पूरा म्यूजिकली था क्योंकि मेरे अंकिल प्रो प्रोफेशनली सिं, सिंगर वो थे मेरे पापा भी बहुत शौकीन थे गज़ल के वो भी गाते थे मेरा जो ग्रैंड मदर था उनको भी बहुत शौक था म्यूजिक का तो सब मिला के पूरा म्यूजिक का ही माहौल था घर पे और सब देखते थे मेरे अंकल क्लास लेते थे उधर बहुत उनके स्टूडेंट्स आते थे काफ़ी जो म्यूजिक पसंद करते हैं लोग सब आते थे घर पे तो आप जॉइंट फैमिली में थे जी हम लोग जॉइंट फैमिली में थे तो हर टाइम घर पे कुछ भी हो म्यूजिक चलता था हाउ व्या द एक्सपीरियंस ऑफ ट्रेनिंग अंडर पंडित अजय चक्रवर्ती एंड विदुषी चंदना चक्रबर्ती इट वॉज रियली नाइस एंड इसका कोई शब्द नहीं है मेरे पास एंड आई वॉज सो लक्की दैट आई हैव आई गॉट दैट चांस टू लर्न फ्रॉम देम एंड उधर मैं सत्रह साल में उधर थी एकदम मैं जब छोटी सी तब गई थी जब मेरी छोटी सी बेटी हुई तब मैं उधर से सॉरी oh. <laughs> तो इट वॉज रियली वंडरफुल बिकॉज जिस तरह से वो लोग म्यूजिक सिखाते हैं उनका जो यू वर लिविंग विद म्यूजिक Yeah, no, not some. Sometimes I went there, mm. and I we had a class for seven days or eight days, oh. and we called them chadja classes, that classes. Mm. And otherwise, uh, we have a class in two days in a month, mm -hmm. because I was from actually West Bengal, a small town, Malda, from West Bengal. Mm. So we went in Kolkata, uh, just one in a month.

तो जब गर्मी so, की छुट्टियां होती थी तो आप हाँ, वहां जाकर सीखती थी तब हाँ, अपनी नानी के घर में नहीं जाती थी नहीं, कुछ कुछ you know, खेलना वगैरह कुछ, कुछ नहीं भी था, नहीं करती थी no, सिर्फ म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक था wow. और पढ़ाई तो था ही hmm. अच्छा पढ़ती भी थी मैं पढ़ती भी थी मैं एम इन इकोनॉमिक्स में हूँ तो पढ़ती भी आफ्टर माई हाई सेकेंडरी आई वेंट टू कलकाता फॉर माई एजुकेशन ऑल्सो एंड देन फ्रॉम देन मैं उधर ही रहती हूँ अभी कोलकाता में ही हूँ पढ़ाई में मन लगता था आपका या हर टाइम बस म्यूजिक म्यूजिक <laughs> एक चीज म्यूजिक का बहुत अच्छी hmm. बात है अगर आप म्यूजिक ठीक से करोगे ना तो hmm. आपको पढ़ाई पर कुछ चीज में आपका वो जल्दी से हो जाएगा क्योंकि वो कंसंट्रेशन आ जाता है एग्जैक्टली exactly. Hmm. है, वो कंसंट्रेशन हो जाता है hmm. अब किसी भी चीज आपको अगर एक घंटा लगता है तो अगर तो उसमें कॉन्सेंट्रेट हो तो आप आधे घंटे में वो चीज mm -hmm. हो जाएगा दैट्स आई रेड समवेयर और मे बी अ पॉडकास्ट कि अगर आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आता है जी तो आप पढ़ाई में और फोकस में लाइक यू एक्चुअली एक सेल्स इट रियली हेल्प्स यू इन योर स्टडीज या बिल्कुल, really you yeah, बिल्कुल. Mm -hmm. ये तो मैं मेरी स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ सब बोलते हैं आजकल इतना पढ़ाई है कैसे करूँगी म्यूजिक mm -hmm. तो अगर आप डेडिकेटेड हो तो आप mm -hmm. कुछ भी कर सकते हो एग्जैक्टली exactly. <laughs> what what was it like competing in and winning prizes at the Dover Lane Music Competition? What is Dover Lane Music Competition? Tell us about that first. Oh, Dover Lane Music Competition is a very prestigious conference. It is a music conference and uh, it is very famous. Uh, pure वर्ल्ड के फेमस जो क्लासिकल सिंगर्स हैं मेनली इंडिया के वो आते हैं वो डोभरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस वेट डेक प्लेस इट्सेंट कोलका प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डोभरलैंड Oh, yeah. okay. so कोलकाता में आर्ट एंड कल्चर रबींद्राथ टून द्लासिकल म्यूजिक्लासिकल म्यूजिक इधर बरे गुलाम अली खास साहब उस गुलाम अली खास साहेब ah. से लेकर रविशंकर जी अली हमद हु कौन नहीं आया है इधर wow. तो उसके वो कॉन्फ्रेंस के पहले कंपटीशन होता है उधर हम्म mm -hmm. तो इट्स so, मतलब व्हाट इज द कंपटीशन लाइक लाइक कंपटीशन इज ओनली फॉर क्लासिकल म्यूजिक एंड एंड क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स सो पीपल क्लासिकल सिंगर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया कम एंड परफॉर्म फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया या कैन परफॉर्म लाइक हाउ मेनी पीपल वुड बी देयर इन द कंपटीशन हंड्रेड हंड्रेड फिफ्टी और oh, आपने yeah. वो कंपटीशन <laughs> <competition> जीता <laughs> जी बिल्कुल वाह सो इट्स लाइक इक्वल टू लाइक आई डोंट नो हाउ मच ऑफ कवरेज दिस वन गेट्स इट्स नॉट लाइक इंडियन आइडल बट दिस इज दिस कम्स फ्रॉम आवर रूट्स दिस इज यू नो हमारी मिट्टी से आया दिस इज नॉट वेस्टर्नाइज और समथिंग दिस इज समथिंग यू नो क्लासिकल प्योर क्लासिकल And uh, it's really nice. And mm. if you get some prize from this competition, it's mm. really very nice mm. and commendable. <laughs> so who, who is your mentor um, or like somebody you listen to like in today's age and time? Today, in recent time, I mm. Mm. छोट छोट मैं जब छोटी थी तब मेरे पापा को मैं सुनती थी गजल आपको गजल, गजल समझ में आती थी आपने तो बचपन से नहीं, नहीं, गुलाम पसंद था वो, वो जो खेलते थे वो मुझे बहुत पसंद थे तो पापा जब सुनते थे तो मैं भी वही सुनती थी तो पापा को देखते पापा बहुत एंजॉय करते थे तो उसको देख के मैं भी तो वो सुन सुन के वो हो गया ऑटोमेटिकली तो आप उर्दू भी आपने अलग से पढ़ी उर्दू मैंने थोड़ा थोड़ा सीखा है जो हुँ। गाती हूँ तो उसका उर्दू तो मीनिंग होना चाहिए नहीं तो अब उसका इमोशन नहीं दो दे पाओगे सो इट शुड बी तो ऐसे हुआ अभी तो गजल सुनती हूँ तो गजल मैं सुनती हूँ रिसेंट टाइम तो मैं गुलाम अली जी मेहदी हसन साहब बेगम अख्तर जी फरीदा खानूम जी मधुरानी जी हरिहरन जी तो okay. बहुत ही यंग गजल सिंगर्स भी होते हैं और जी यंग गजल सिंगर है प्रतिभा सिंह बघेल अभी गा रही है बहुत अच्छी लगती है मुझे hmm. uh, पृथ्वी गंधर्व एक है मेल वो भी गाते हैं उनका गाना भी बहुत अच्छा लगता है जजीम शर्मा अच्छे गाते हैं अच्छे गाने बहुत है अभी भी टेल इस अबाउट योर परफॉर्मेंसेज ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दूरदर्शन कैलिफोर्निया टी वी या So during the Corona time, I did some online concerts. Oh. So just like that California TV and uh, Utsha. Utsha is a concert which is conducted by Pandit Jisraj's daughter, oh. uh, Durga Jisraj. Durga Jisraj, yeah. So when I got that offer, I was really hmm. very happy uh, to be part of there. And it was, it was amazing to sing there. And Durdarshan, uh, I got the chance last to last year to perform there. the mm -hmm. uh, Darshan Kolkata, that oh. is yeah so. Abibi, bhi, Darshan is active and they are trying yeah. to revive themselves, yeah, yeah. I would say. Yeah, yeah, sure. Wonderful. The is her time active, honestly. <laughs> <laughs> of course. Uh, you have trained in classical and semi classical music, guzzles, and old h Hindi melodies. How do you approach these different styles and what do you enjoy most about each? Uh, classical is the main thing. If you know the classical, you can do anything, any genre of music. So, uh, and Pandit Ajay was, uh, from Pandit Ajay Chakraborty, I learned both classical and semi classical music, just like Thumri's.

In that kind of music, okay, so I wouldn't only, know what yeah, that is. That basically. is only need how you express your emotions mm -hmm. through that lyrics. So mm -hmm. it's very important in that semi-classical type of music. Mm -hmm. So popularity um, is more towards semi-classical because, like, yeah, people, bhi people wo bhi, can connect. Yeah, yeah people, people can, can relate because to People it. sometimes. डर जाते हैं वो तान सरगम सुन के ये हाँ. क्या हो रहा है <laughs> ज्यादातर पीपल्स इनको right. पता नहीं है सो कंपेयर टू देम बट क्लासिकल म्यूजिक इज क्लासिकल या हाउ वाज यू एक्सपीरियंस परफॉर्मिंग इन द यूके इन 2022 या इट वाज वेरी नाइस एंड आई परफॉर्मड देयर वेर एग्जैक्टली डिड यू परफॉर्म आई आई परफॉर्मड इन सम वेरी famous violinist uh, i just forgot his name famous violinist mm. uh, he uh, organized that program mm -hmm. uh, so i performed there sheffield in sheffield uk oh, okay. yeah. so i performed there and i also performed in winchester mm -hmm. uk so yeah it was to, very to thi nice. guy yeah Ghazals? Yeah, gazelles yeah, mm. do you do fusion also yeah, i did uh, some old bollywood musics also. Mm -hmm. uh, are there any upcoming projects or performances you're particularly excited about? Uh, recently i have uh, programs uh, in chicago and houston and in kansas after mm -hmm. new jersey. so I will, be, I will be looking forward for that. so it's now my main thing. how exciting. Walk us through your creative process when you composing or preparing for a performance. How does it start? Just say, आपको, you know, you know, you have to perform. So, तो how do you train yourself? Your rehearsal? कुछ आप diet पे अपना कुछ strict हो जाती हैं या कुछ रियाज ज़्यादा करती हैं? Diet नहीं होता ऐसा कुछ. हुँ. तो रिवाज़ साहब जब सुबह करो तो वही सबसे अच्छा है तो यू वेरी आप पाँच छः बजे उठ के गाना शुरू हो जाती हैं नहीं, पाँच छः बजे उठ के तो मैं पहले बहुत करती थी तो अभी हाँ सुबह का रिवाज बहुत इम्पोर्टेंट है आप जब भी उठो ऐसा नहीं है जो दस बजे उठ के आप रिवाज करो तो वो इम्पोर्टेंट होगा छः सात बजे उठो उठ के रिवाज कीजिए तो तब गला बहुत फ्रेश रहता है और बिफोर कॉन्सर्ट अगर आप सोए नहीं तो वो अच्छा होता है आप so, सोए नहीं नहीं अगर आप सो सो जाएंगे जैसे एग्जाम्पल आपको शाम का कॉन्सर्ट है hmm. आपने सोचा दोपहर को मैं थोड़ा लेट जाऊँ थोड़ा नींद hmm. में जाऊँ तो वो चोक कर देता है वॉइस को तो इफ यू डिड समथिंग बिफोर द प्रोग्राम थोड़ा बहुत uh, hmm. रिवाज इट विल हेल्प यू बिकॉज गला खुल जाता है नर्वस तो अब सभी होते पहले hmm. प्रोग्राम जब शुरू होता है तब फर्स्ट hmm. एक दो मिनट लेकिन जब आप स्टेज में उठ जाते हो सामने जब आप देखते हो जैसे hmm. अच्छे लोग बैठे हैं आपको इंकरेज कर रहा है तो वो hmm. नहीं रहता hmm. कुछ भी टेंशन वगैरह तो आपका कभी भी सुर इधर उधर नहीं हिलता यू आर वेरी फोकस कोशिश कर तो हिलता <laughs> है या नहीं होता तो hmm. दर्शक बोलेंगे लेकिन कोशिश तो वही रहता है बट यू डू सोलो शोज और डू यू Do it with entourage and all. No, usually I did solo shows. Yeah, mm, that's a big thing doing <laughs> a solo show. Yeah. Aside from music, what other interests or hobbies do you have that you feel contribute to your musical journey? Uh, besides music, I don't have that much hobby because I don't get that much time mm -hmm. <laughs> to do something, some other things. Uh, so I just like to draw.

क्योंकि वो उसको क्रिकेट खेलने में बहुत शौक है तो wow, ठीक yeah. so, hmm. I mean, so, है अगर उसको क्रिकेट hmm. खेलना है तो तुम क्रिकेट खेला। ऐसा कोई जोर जबरदस्त hmm. नहीं है मैंने माँ ने किया है hmm. तो बेटी भी वही so, <laughs>

खत्म दैट्स द एंड ऑफ पर आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है अगर आप एकदम जैसे लो मोमेंट पे हो या जी मेरा गुरु जी मेरा गुरु जी से मिलता है हाउ ही सो इजली सिंग सो सो नाइजली सिंग एंड देयर इज नो टेंशन एंड तो ये होता है अगर आप ज्यादातर रिवर्स करो और खुद में कॉन्फिडेंस आए hmm. जब कुछ भी हो जाए मेरा गले से कुछ खराब नहीं निकलेगा

दैट सॉन्ग वॉज आई थिंक इट वॉज मै दसौन साहब सॉन्ग जिंदगी को ना बना ले चलिए जाने से पहले वो सुनते हैं okay. hmm, जिंदगी को न बना दे वो सजा मेरे बा زندگی کو نہ بنا لے وہ سزا میرے بار حوصلہ اونه انہیں میرے خدا میرے بار حوصلہ دینا Unhe mere khuda mere baad zindagi ko na banale wo saza mere baad beautiful thank you so you have um, बंगाली में भी गाती हैं? जी बिल्कुल कुछ बंगाली ऑडियंस के लिए भी हो जाए अच्छा बंगाली ऑडियंस के लिए थोड़ा एक गाना जो हिंदी में भी है और बंगाली में भी oh, है। म्यूजिक जी ओ सचना आई रस की फुहार लाई

This is so addictive. I'm not <laughs> going to let you go. Now you have to do something uh, from my choice also. How about Parinita or monterey? Parinita? But uh, that, that movie, okay, you don't know that. No, 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 no. Aapne Parinita? Yeah, was... Parinita is Vidhawan? Yeah, yeah, yeah. Oh. Do, do you remember? Like you can do Hindi Bengali. It's okay if you don't. Yeah, I, I can so do I, the outro just... then.